हिमाचल में लगभग 3.5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। प्रदेश में 5 साल से विपक्ष में बैठी कांग्रेस के 2 सीटिंग MLA पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गई। कांग्रेस के कांगड़ा की विधायक पवन काजल और नालागढ़ के MLA लखविंद्र राणा को नई दिल्ली में CM जयराम ठाकुर ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर पवन काजल का जाना कांग्रेस के लिए झकझोरने वाली खबर है, क्योंकि 2 बार के विधायक पवन काजल को OBC सामुदायिक के बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। कांगड़ा जिला में उनके भाजपा से शामिल होने से यहां के सियासी समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि कांगड़ा जिला ही हिमाचल की सत्ता की चाबी किसे देनी है यह तय करता है। हालांकि कांग्रेस ने OBC वोट पर पकड़ मजबूत रखने के लिए चंद्र कुमार को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया है। वहीं सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा हलके 2 बार के विधायक लखविंद्र राणा ने भी 17 साल तक कांग्रेस का साथ निभाने के बाद पार्टी का साथ छोड़ दिया। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद पवन काजल ने कहा कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं की कदर करते हुए उन्होंने यह बदलाव किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।